हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपी अग्रवाल आज आपको एक फ्रॉक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक राउंड वेस्ट विद गैदर वाला फ्रॉक है। और ये ब्लैक कलर में, ब्लैक विद येलो में बनेगा इसका ये कॉम्बिनेशन है, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब ये देखिए, मैंने ये लाइन लगाई और ये मैंने एक नेक जो है ये ड्रॉ किया, और यहीं से मैंने ये बैक का नेक जो है ये ड्रॉ किया। ये कपड़ा मेरा फोल्डेड है, फोल्ड किया हुआ है। अब ये देखिए कि ये मैंने यहाँ से ये शोल्डर का स्लोप ले लिया। ये शोल्डर का स्लोप लेने के बाद में ये देखिए कि ये लगभग 3 साल के बच्चे का है, और इसको मैं यहाँ से ये 10 10 यानी कि इसका चेस्ट होगा हमारा लगभग 25 सेंटीमीटर और वेस्ट भी सेम 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये एक सीधी ये लाइन मार देंगे, ये हमारी लाइन हो गई, और ये हमारी दूसरी लाइन जो है ये हमारी सीम अलाउंस की हो गई, और यहीं से हम इसको ये देखिए, ये हम एक 5 इंच नीचे इसको हम ये एक लाइन लगाते हैं। ये हमारी आर्मोल की लाइन है, आर्मोल डेप्थ लाइन, और ये हमने सीधा ये लाइन लगा दिया। उसके बाद में हमने ये देखिए, ये हमने सेट स्क्वायर रखा, ये लाइन मारी, और ये लाइन मारने के बाद में ये देखिए, ये हमने इसका आर्मोल बना दिया। अभी आर्मोल बनाने के बाद में इसी के साथ हम यहाँ पर ये देखिए दोनों लाइनें हम मार लेते हैं। ये हमारा बैक का आर्मोल हो गया, और नीचे से हमने इसको ये 1 इंच का हम इसमें राउंड देने जा रहे हैं। ये हमारा 1 इंच का ये राउंड हो गया। अब मैं आपके सामने इसको काट देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने काट दिया इसको, और ये देखिए, ये मैंने आर्मोल का काट दिया। आर्मोल काटने के बाद में ये मैंने साइड से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक ये काट दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरीके से मैं इसको यहाँ से ये मैंने राउंड इसको काट दिया। ये कटने के बाद अब आप देखेंगे कि मैं इसका नेक जो है ये मैंने बैक का नेक काट दिया। बैक का नेक काटने के बाद ये देखिए, मैं इसका फ्रंट का नेक ये मैंने काट दिया। अब आप ये देखिए कि ये मेरा नीचे बैक है, बैक को मैंने ये फोल्ड किया हुआ है। ये बैक मेरा फ्रंट बैक ओपन रहेगा, जो कि मैं यहाँ से इसको ये ऐसे ही इस तरीके से ये मोड़ कर और ये सिलाई लगा दूँगा। यहाँ पर ऐसे सिलाई लग जाएगी, बैक इसकी मेरी ओपन रहेगी, जिससे कि बच्चे को पहनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए, मैं अब फ्रंट का आर्मोल जो है ये मैं आपके सामने ये देखिए, ये मैंने फ्रंट का आर्मोल ये काट दिया। ये कट गया हमारा, ये हमारी ऊपर की बॉडी हो गई। और अब हमारा ये देखिए, ये हमारी बॉडी कटने के बाद ये मेरा नीचे का स्कर्ट है, जो मैं इसे नीचे बॉडी के साथ अटैच करूंगा।
और ये कपड़ा मेरा फोल्ड है, फोल्डेड है ये। ये देखिए, ये इस तरीके से डबल फोल्ड है ये, यहाँ से पूरा इस तरीके से ये फोल्ड किया हुआ है ऐसे, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐसे इस तरह से जो है ये गैदर दे करके, ये देखिए ये ऐसा कुछ इसका लुक जो है इस तरीके का, और इसका ये लुक आएगा। ये अभी मैं वैसे आपको बना कर दिखाऊंगा, तब देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये मेरा एक बॉटम में इस तरीके का ये ट्रिम होगा, ये इसी तरह से मेरा यहाँ पर ट्रिम होगा, यहाँ पर एक ट्रिम हो, यहाँ पे बाइंडिंग होगी, ये नेक में बाइंडिंग होगी, और इसके यहाँ पर जो है मैं एक इसी येलो कलर का जो है एक फ्रिल टाइप का दूंगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए इस तरह से मेरी जो है फ्रिल आएगी यहाँ पर। अब मैं इसको आपको बना करके और दिखाता हूँ, तो आप बना हुआ पीस देखिएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा। हाँ तो दोस्तों, अब आप देखिए, अभी आपके सामने मैंने फ्रॉक काटा था, और काटने के बाद में इसको स्टिच करवाया है। स्टिच करने के बाद में इसका ये लुक है, आप देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है और आपके अगर पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, तो आप बेशक से ना करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।